धुंधीराज गली व गौरी केदाश्वर महादेव जैसे पवित्र स्थलों पर बह रहा सेवा का गंदा पानी जीएम जलकल विभाग को ज्ञापन सौंपा। पूजा यादव वाराणसी जलकल विभाग के भेलूपुर स्थित कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वनाथ धाम स्थित धुंधीराज गली व गौरी केदाश्वर महादेव मंदिर के पास बह रहे मलजल युक्त सेवा के गंदे पानी का तुरंत निस्तारण करने हेतु लेकर जलकल विभाग के महाप्रबंधक विजय नारायण मौर्य के समक्ष विरोध दर्ज कराते हुए पत्रक सौंपा। उक्त अवसर पर समाजवादी पार्टी कैन विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव ने बताया कि कुछ ही दिनों में काशी का सबसे पावन पर्व महाशिवरात्रि आने वाला है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु काशी पहुंच बाबा विश्वनाथ की दर्शन पूजन करने के लिए आएंगे, साथ ही गौरी केदाश्वर महादेव के लिए भी जाते हैं। ऐसे में कई दिनों से ऐसे पवित्र स्थलों पर सेवा का गंदा पानी बह रहा है, लोगों ने विभाग से शिकायत दर्ज कराई। विभागीय कर्मचारियों ने अस्थायी काम कर खाना पूर्ति कर ली। विभागीय अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द इस जन समस्या का निस्तारण नहीं होता है, हम मल युक्त गंदे सीवर जल में बैठकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। पत्रक देने वालों में पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, कैंट की पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव, विकास यादव बच्चा, लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा, पिछड़ा वर्ग के महानगर अध्यक्ष विवेक कहार, कैंट अध्यक्ष दिलीप कश्यप, राजबहादुर पटेल, प्रदीप मोदनवाल, युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता, आमिर अहमद, मोहम्मद फिरोज आदि लोग शामिल रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। ये काशी धार्मिक नगरी है और रंगभरी एकादशी समीप है और शिवरात्रि समीप है और जिस तरीके से गलियों का हाल है, जिस तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए बहुत सारा धन आया लेकिन वो केवल बैनर पे ही हमको दिख रहा है। जिस तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है, दर्शनार्थी आते हैं विश्वनाथ मंदिर में, लोग मल मूत्र से चल के जाने के लिए विवश हैं और ये बात केवल एक गली की नहीं है, ये बात पूरे विधानसभा पूरे कैंट की है, पूरे दक्षिणी विधानसभा की है। जिस तरीके से कैंट विधानसभा में जितने भी शिव मंदिर हुए, जो भी मंदिर हैं, उन गलियों को दुरुस्त किया जाए, ये मांग है आज हम समाजवादियों की। समाजवादी पार्टी की सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया हुआ है, हम मांग करते हैं कि वो गलियाँ दुरुस्त की जाएं जिससे दर्शनार्थियों को असुविधा न हो और दर्शनार्थी चाहे वो रंगभरी एकादशी हो, चाहे वो शिवरात्रि का शिव बारात हो, वो पूरे जिस तरीके से भक्ति भाव से हर्षोल्लास से हम वो त्यौहार और वो महापर्व मनाते हैं, बिना असुविधा हम मना पाए। और जिस तरीके से आप ये जो बैनरबाजी है और ये जो एक इन्होंने पुलिंदा बनाया हुआ है, संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और आपको अगर हम लेके चले उन गलियों में, रोड पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, डिजिटल आपने बना दिया है, क्यूटो बना दिया है, लेकिन जो 10 कदम अंदर गलियों का हालत है वो बड़ी निंदनीय है और इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है कि जो भी असुविधा है उसको तत्काल दूर किया जाए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे जीएम के पास आए हुए थे और हम लोगों ने उनको सारा अवगत कराया है। और देखिए, ये काशी और धार्मिक नगरी है और हम लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं और हम यही कहना चाहते हैं, जय जय भोलानाथ दिगंबर, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए, प्रभु आप बसे वीराने में। तो हम बाबा के भक्तगण हैं और हम बाबा के पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बना। आज सर आपके कार्यकर्ता जलकल विभाग में आए हैं, कोई विशेष? विशेष तो नहीं कह सकते, अति गंभीर मामला था, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जिसे काशी कहा जाता है, सभ्यता संस्कृति और साहित्य का जो नगरी है वो काशी है। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के आसपास धुंधीराज गली है, गौरी केदारेश्वर महादेव हैं, तमाम गलियां सीवर ओवरफ्लो के कारण जो है कि गंदा पानी, उससे निकलने वाले मल जल सड़कों को बह रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम जो आते हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धालु और आम जन, उनको उसी मल जल पानी में पैर रख के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए विवश होते हैं। आज हम लोगों ने जीएम
विजय नारायण मौर्या से आज हम लोगों ने मुलाकात किया और उनको हमने बताने का काम किया कि महाशिवरात्रि का पर्व बहुत नज़दीक है और जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपये आते हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को गुमराह किया जाता है, धर्म के नाम पर राजनीति किया जाता है, तो कम से कम जो आम श्रद्धालु हैं जिसको बाबा विश्वनाथ जी से लगाव है, तो कम से कम धार्मिक नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के आसपास जो गलियां हैं उसको ठीक करें। दीप मिश्रा, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। आज हम लोग निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी और पैन विधानसभा प्रत्याशी पूजा यादव जी, दिलीप कश्यप जी, विकास यादव जी के साथ हम लोग आज प्रतिनिधि मंडल जल कल के महाप्रबंधक साहब से मिलने हैं। मिलने का मेन प्रारूप यह था कि आज बनारस शहर के अंदर गलियों में सीवर बह रहे हैं, लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस संदर्भ में हम लोग आज आकर जल संस्थान के महाप्रबंधक जी को अवगत कराएं। अवगत कराने का मेन मकसद यह था, महाशिवरात्रि का त्यौहार है और रंग भरी एकादशी है और हमारे बनारस ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से लोग बाबा की नगरी में आते हैं, वहाँ भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, महाशिवरात्रि का शिवबरात का आनंद लेते हैं। लेकिन यह बनारस के लिए दुर्भाग्य है कि बनारस के गलियों में, घर घर में सीवर का पानी बह रहा है। एक स्लोगन था जब बनारस के सांसद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, बनारस से।